हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के सामने आ रही चुनौतियों का हल निकालने की अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सरकार में जनसेवा पत्र और संकल्प पत्र को किस तरह से एक साथ रखा जाएगा, अब सबकी नजरें इसी पर बनी हुई हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा पत्र को लेकर अब बड़ा बयान दे दिया है। सीएम का कहना है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में दोनों दलों के नेता शामिल किए जाएंगे। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों को एक करने के लिए मंथन होगा। प्रदेश हित में जो भी जरूरी है उसके लिए मिलकर काम किया जाएगा। रिपीटिशन का फायदा नहीं, मैंने आपको बता दिया कि हम दोनों के जनसेवा, जो उनका जनसेवा पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, उसको मिलान करके जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम उसको लागू कर ही देंगे। अगर किसी चीज़ में अंतर है तो वो बैठ करके विचार करेंगे। हमें कुल मिलाकर के जनहित, हरियाणा की जनता का हित, ये सर्वोपरि है। कोई किसी चीज़ पर बिल्कुल अडिग रहना कि यहाँ नहीं, हमने बोला तो ये होना ही होना चाहिए, करना संभव होगा तो हर प्रकार का काम करेंगे। मान लो कई कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, उस कंस्ट्रेंट में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है बजट का। अब आखिर बजट के बिना तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं की जा सकती। बजट में ये होता है कि अगर हम बजट बढ़ा पाए, अब बजट बढ़ाने में भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि टैक्सेशन का अब बहुत बड़े अधिकार हरियाणा सरकार के पास नहीं रहे। पहले सबसे बड़ा सोर्स होता है वैट होता था, वैट का अधिकार हरियाणा सरकार का समाप्त हो गया, किसी भी राज्य सरकार का समाप्त है। जीएसटी का निर्णय केवल जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी लगाते हैं उसमें 50% हरियाणा को मिलता है, यानी प्रदेश को मिलता है, 50% सेंटर को मिलता है। अब विषय बचता है दो, या तो एक्साइज। एक्साइज में क्या हम चाहेंगे कि भी हम शराब के बिक्री को या शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाएं और शराब के ज़्यादा सेवन कराएं? बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है, ना हमारे जन उसमें संकल्प पत्र में, ना उनके संकल्प पत्र में, तो वो रास्ता बंद है। फिर रहता है कि केवल पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ाने का अधिकार प्रदेश सरकार को, वो बढ़ाने के लिए बिल्कुल कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जाए उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि कितनी बातें हम आगे लागू कर सकते। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि प्रदेश हित में फैसले लिए जाएंगे, प्रदेश की जनता की मुश्किलों को हल करने का काम किया जाएगा। नौकरी में परीक्षा के लिए जो हमने नजदीक एग्जाम सेंटर बनाने का वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर दोनों पार्टी के घोषणा पत्र के जो कॉमन एजेंडाज हैं, जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडाज हैं या जो यूनिक एजेंडाज हैं, उनको प्राथमिक तौर पर कैसे जॉइंटली प्रदेश की सरकार प्रदेश के हित में लाने का काम करेगी, उसके ऊपर एक कमेटी गठित करी जाएगी टाइम बाउंड तरीके से, जो अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करा पाए और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए दोनों पार्टियों की जो घोषणाएं थी, जो वादे थे। तो जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की एक बड़ी शर्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए काम करने की थी, जिसे लेकर अब कमेटी गठन करने का फैसला ले लिया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर घोषणाओं को लेकर जो चुनौती सरकार के सामने है उससे कैसे मनोहर सरकार पार पाती है। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए मनीषा यादव के साथ करनाल से केसी आर्या की रिपोर्ट।